हेलो फ्रेंड्स, जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने जो देखा था वो मीन देखा था। ओके, मैं एक बार रिवीजन कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। मीन माना एक्स वन कोमा एक्स टू कोमा एक्स थ्री कोमा एक्स फोर एंड सो ऑन एक्स एन कुछ ऑब्जर्वेशन है। ओके, तो अरिथमेटिक मीन या सिंपल मीन को निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। मीन को निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। ओके, मीन इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर एंड सो ऑन एक्स एन अपॉन एन। ओके, और मीन को जो लिखा जाता है वो एक्स बार द्वारा लिखा जाता है, अर्थात एक्स बार इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन और सिंपली मीन जो बराबर होता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास x1, x2, x3, x4, x5 कुछ डेटा है या कुछ ऑब्जर्वेशन है, तो मीन जो डिफाइन किया जाता है वो परिभाषित किया जाता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट का मीन ज्ञात करो, तो आपको क्या करना है, ये मेरा सिंपल फार्मूला हुआ मीन और अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, सो दैट एक्स बार जो होगा वो होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जर्वेशन का योग डिवाइडेड बाई कुल ऑब्जर्वेशन। ओके, दिस इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन, पहला ऑब्जर्वेशन वन, दूसरा टू, तीसरा थ्री, चौथा फोर, अगले वाला पांच, उससे अगले वाला छ, सात और आठ। वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस एट डिवाइडेड बाई कितने ऑब्जर्वेशन है हमारे पास टोटल, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ। ओके, दिस इज इक्वल टू, अर्थात एक्स बार इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू एक प्लस दो प्लस थ्री प्लस चार प्लस पांच प्लस छ प्लस सात प्लस आठ। ओके, हम जानते हैं, ध्यान से देखना बेटा, हम जानते हैं वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव एंड सो ऑन एन,
प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, तो मेरे पास होगा वन प्लस टू प्लस थ्री एंड सो ऑन एट इज इक्वल टू, लास्ट संख्या है मेरे पास एन, अर्थात एन इंटू एन प्लस वन एट प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, यानी आठ गुना नौ बटे दो, ये इससे कैंसिल आउट, इज इक्वल टू कितना निकला चार, और चार इंटू नौ थर्टी सिक्स। ओके अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं एक्स बार इज इक्वल टू वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस एट डिवाइडेड बाई एट इज इक्वल टू, इन सब का जोड़ मेरे पास कितना निकला वन टू थ्री एट तक का जोड़ मेरे पास निकला थर्टी सिक्स, यानी थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई कितना एट, और जैसे मैंने इसको कैलकुलेट किया आठ चौक बत्तीस और आठ पंजे चालीस, यानी मेरे पास जो एक्स बार निकला वो ये निकला 4.5। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगर मैं आपसे बोलता हूं कैलकुलेट द मीन ऑफ एक सात नौ आठ पंद्रह, एक सात नौ आठ पंद्रह का समांतर माध्य ज्ञात करो। ओके तो मेरे पास जो होता है बेटा समांतर माध्य इज इक्वल टू, समांतर माध्य इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जर्वेशन का सम, बोले तो वन प्लस के सेवन प्लस के नाइन प्लस एट प्लस फिफ्टीन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है एक दो तीन चार और पांच। ओके तो एक्स बार जो मेरे पास निकला वो ये निकला सात और एक आठ, आठ और आठ सोलह, सोलह नौ पच्चीस, पच्चीस पंद्रह चालीस डिवाइडेड बाई फाइव, ये इससे कैंसिल आउट अर्थात आठ, यानी समांतर माध्य या मीन इज इक्वल टू मेरे पास निकला आठ। ओके आगे देखता हूं, ये दो थी मेरे पास डायरेक्ट मेथड, किसी भी सीरीज का या कोई भी डेटा अगर आपको दिया हुआ है और आप उसका समांतर माध्य निकालना चाहते हो आप डायरेक्टली इसका यूज करके, अर्थात सिंपल सा फॉर्मूला है समांतर माध्य इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो डेटा आपको दे रखा है और जितना भी डेटा आपको दिया है डायरेक्टली सबका सम करना है और जितने भी नंबर्स आपको दे रखे हैं उतने से डिवाइड करना है, जो भी आपके पास रिजल्ट आता है क्या होगा समांतर माध्य। ओके नेक्स्ट देखता हूं, एक और भी मेथड है शॉर्टकट विधि, मेथड नंबर टू, शॉर्ट